गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस को किया था, जिसमें हमने लिस्ट के आपके पास मोस्टली सारे फंक्शंस को कवर कर लिया था। उससे अगर हम लिस्ट में देखते हैं तो लिस्ट में किसी भी एलिमेंट्स के थ्रू वर्किंग कैसे करनी है, जैसे लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को चेक करना वो इवन है या ओड है, या पर्टिकुलर आपके पास किसी भी एलिमेंट्स का टेबल बनाना, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का फैक्टोरियल कवर कर सकते हो। इस वीडियो में हमने आपके पास सिंपल ये किया था। आज इस वीडियो में हम आपके पास क्या करने वाले हैं, जो आपके UT4 है उसके सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं। सिंपल आपके पास UT4 में क्वेश्चंस बनने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस आपके पास आपको कौन कौन से रेडी करने होंगे, किस पैटर्न पर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस आपके पास क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम उसे रिवाइज करेंगे। फर्स्टली जो हम UT4 का सिलेबस चेक करते हैं, UT4 के सिलेबस में आपके पास मेन चीजें जो हमने नोट कराई हुई है, एक आपके पास है फ्लो कंट्रोल, सेकंड आपके पास है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और थर्ड आपके पास है पाइथन फंडा। ये रिवीजन सिंपल अगर हम देखते हैं, आपके पास हमें तीन चैप्टर लिए हुए हैं, ये दो चैप्टर आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये आपके पास रिवीजन से लिए हुए हैं। पाइथन फंडामेंटल, पाइथन फंडामेंटल का आपको सिंपल टोकन करने हैं। आइडेंटिफायर आपके पास क्या होते हैं, आइडेंटिफायर भी होते हैं जो आपके पास वेरिएबल के लिए यूज किए जाते हैं। कि लिमिटेशंस क्या थी, जैसे किसी भी कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर नहीं ले सकते, आइडेंटिफायर में आपके पास स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है, कोई भी ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता और आपके पास में वाइट स्पेस नहीं आएगा, ये लिमिटेशंस आपके पास थे। सेकंड आपके पास ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, यूनरी ऑपरेटर आपके पास, उसके बाद आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, देन आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नोट, एंड में दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू रहती थी तो ही आपके पास वर्क होगा। और उन ऑपरेटर में आपके पास क्या है, कोई अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी आपके पास क्या होता है, ट्रू आपको आउटपुट मिलती है। सिंपल ये हमें क्या है आपके पास, यहाँ से हमें रिविजन करना है चैप्टर्स का। फर्स्टली हम देखते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल से आपके पास क्या आने वाला है। फ्लो ऑफ कंट्रोल जो आपके पास है, लूपिंग हमें पढ़नी होती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास हम क्या यूज करते हैं, लूप को यूज करते हैं। जब हमें आपके पास क्या करना होता है, किसी भी कंडीशन को वन बाय वन एक ऑर्डर में आपके पास सीक्वेंस में रन करना होता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या करते हैं, लूपिंग का यूज़ करते हैं। एक तो आपको लूपिंग की मेन डेफिनेशन, लूपिंग आपके पास डेफिनेशन क्या है, सेकंड आपके पास लूपिंग के टाइप्स कितने होते हैं, जो आपके लूपिंग के टाइप्स हैं उनके सिंटैक्स क्या होते हैं, देन उनके फ्लो चार्ट्स आपके पास क्या होंगे, ये भी आपके पास आएगा। लूपिंग हमने पढ़ा दें तो वाई लूप, एक आपके पास फोर लूप, ये दो लूप होते हैं। देखते हैं आप एज्यूम करो आपको 1 to 100 काउंट करने का प्रोग्राम बनाया गया है कि आपको क्या करना है, 1 to 100 एक आपको प्रोग्राम बनाना है जो आपके काउंटिंग करेगा, 1 to 100 आपके पास प्रिंट कर देगा नंबर्स को। ऐसा तो नहीं है वैसे करेंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। हमें सिंपल एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आप एज्यूम आई जे के एम कुछ भी ले सकते हो, आपने एज्यूम करो वेरिएबल नेम ले लिया आई, और आपके पास आई की इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए एक तो हमें मिन, और एक आपके पास है। लूप को रन करने के लिए हमें सिंपल आपके पास मिनिमम देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो हमें सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लूप की वर्किंग करेंगे। फर्स्टली जो आई जो हमने वेरिएबल दिया है इसकी नीचे वैल्यू क्या है, मेन हमें सिर्फ दो चीजों को पता होना चाहिए, कहाँ से चलना है कहाँ तक जाना है। अगर हमें ये दोनों चीजें क्लियर है कि हमें यहाँ से चलना है यहाँ तक जाना है, कितने स्टेप चलना है, वन बाय वन चलना है, एक कदम चलना है, दो दो कदम चलना है, तीन तीन कदम गैप लेके चलना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। बेसिक हमारे पास क्या है, अगर हमें फाइनल इनिशियल वैल्यू पता है और फाइनल वैल्यू पता है और बीच की सीक्वेंसिंग पता है स्टेपिंग,
तो हमारे पास अगर तीन चीजें आपके पास किसी भी लूप को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें इन तीन चीजों में से कोई चीज नहीं पता तो हम फिर आपके पास लूप को रन नहीं कर पाएंगे। हमें तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, फाइनल वैल्यू पता होनी चाहिए और स्टेप पता होना चाहिए। अब देखो अब इस वेरिएबल को रिलेशन में कैसे रखते हैं वो देखते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू आपको पता लगी बने, ये तो हमें पता लगे कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या है। लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 100 है। काउंटिंग जो करते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब स्टेप जो है वो प्लस बनता रहेगा। ये 1 के बाद 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पाएगा, 3 के बाद 4 पाएगा, 4 के बाद 5 पाएगा, 5 के बाद 6 पाएगा। ये सिंपल आपके पास आएगा ऐसे। अब अगर हम देखते हैं आपके पास इसकी हमें इनिशियल वैल्यू भी पता लग गई, इसकी स्टेपिंग भी पता लग गई और इसकी फाइनल वैल्यू भी पता लगी। अब इसके कंडीशन को वर्क कैसे करना है, हमें आया कंडीशन। तीन चीजें किसी भी लूपिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी, इनिशियल वैल्यू, स्टेप वैल्यू और आपके पास फाइनल वैल्यू। देखो ये आपके पास 1 जब तक चलेगा, 100 तक चलना है आपको, जो लिखते हुए चलना है 1 2 3 और वहां तक जाएगा 100। ये जितने भी नंबर आपके पास है सारे इससे छोटे स्मॉल देन है। फाइनल कंडीशन के सारे कैसे हैं आपके पास, स्मॉल देन है। तो आप लिख सकते हो आई स्मॉल देन और इक्वल्स टू, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, 2 बी से स्मॉल रहेगा, 3 बी से स्मॉल रहेगा, 4 बी से स्मॉल रहेगा, 5 बी से स्मॉल रहेगा। ये सिंपल आपके पास थे। जैसे ही हम क्या करते हैं आपके कंडीशंस को वर्क कराते हैं तो आपके पास कंडीशन, आपके पास लूप स्टार्ट हो जाता है। अब लूप का सिंटैक्स देखते हैं, दोनों लूप का सिंटैक्स आपके पास क्या है और इनके थ्रू आपके पास इनको प्रोग्राम्स की वर्किंग करनी है। लूपिंग के प्रोग्राम, इनके स्ट्रक्चर, इनके फ्लो चार्ट आपके पास पेपर में आएंगे। तो आपको एक चीज़ें पढ़ना है आपकी लूपिंग की वर्किंग आपके पास कैसे। पहले हम व्हाइल लूप को देखते हैं, व्हाइल लूप आपके पास कैसे वर्क करता है। व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है, व्हाइल कंडीशन कोलन स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंपल आपके पास व्हाइल का सिंटैक्स आपको नोट करना है। जब किसी प्रोग्राम में लिखते हैं व्हाइल, व्हाइल के अंदर कंडीशन, जैसे मैंने अभी आपको कंडीशन बताई आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100, वो कंडीशन आपको लिखनी है। देन स्टेटमेंट, देन आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सेमी कोलन से आपके पास क्या करते हैं, ब्लॉकों की रेस्ट करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रिक्वायरमेंट इसलिए है जब तक आपके पास किसी भी नंबर में इंक्रीमेंट नहीं होगा अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा तो कंडीशन आपके पास एवरी टाइम ट्रू रहेगी और ये आपके पास इन्फिनिटी लूप एक चल जाएगा, इसमें आपके पास घूमते रहेगा और कभी भी आपके पास फिनिश नहीं होगा। कंडीशन का लूप के लिए देखो, लूप चलने के लिए मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना आपके पास रिक्वायर है। कम से कम आपके पास एक बार कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है अगर आपको लूप को चलाना है, तो मिनिमम एक कंडीशन ट्रू चाहिए। और लूप को फिनिश करने के लिए आपको एक बार कंडीशन फॉल्स चाहिए। जब कंडीशन फॉल्स होती है तभी आपके पास क्या है, जो हमारी वर्किंग है वो लूप से बाहर आएगी। अदरवाइज वो आपके पास कंडीशन ट्रू रही होगी तो वो ट्रू होती रहेगी और लूप में ही घूमती रहेगी और वो आपके पास इनफिनिट लूप चलता रहेगा, वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। ऐसे ही सेम आपके पास आता है यहाँ पर, अगर आपने कंडीशन यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स है तो अंदर ही नहीं आएगा लूप के, जब वो लूप के अंदर ही नहीं आएगा तो बाहर के बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास जो हमें लूप में वर्क करना है वो तो आपके पास परफॉर्म ही नहीं होगा हमारा वर्क, वो बाहर चला जाएगा। तो अगर हमें वर्क करना है तो मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लूप को वर्क कराने के लिए, ठीक है, और मिनिमम एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए आपके पास लूप को आउट ऑफ लूप आने के लिए, आपके पास लूप को खत्म करने के लिए। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे लूप का व्हाइल का सिंटैक्स है, व्हाइल लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखते हैं। सिंपल ये आपके पास हुआ। अब इसका फ्लो चार्ट अगर हम देखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद आएगा, इसका फ्लो चार्ट को चेक करते हैं। इसे आप नोट करिए, इसको
ये वायल का आपका फ्लो चार्ट है। जैसे हम सिंपल आपके पास देखते हैं वायल के फ्लो चार्ट्स में आपके क्या है, हमने वायल लिखा, कंडीशन लिखी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं होगा। और अगर स्टेटमेंट के बाद आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रिक्वायर है, इंक्रीमेंट आपने किया, अब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा वायल के पास जाता रहेगा, इंक्रीमेंट हो गए फिर वायल के पास, इंक्रीमेंट हो गए फिर, जब कंडीशन फोर्स होगी मार के निकल जाएगा और आपके पास प्रोग्राम को एंड कर देगा। अगर आपको यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कोई भी, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, आपके पास वायल का फ्लो चार्ट है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना तो आप मत करो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो सिंपल एक वायल का फ्लो चार्ट है, एक दो वायल के आपके पास एग्जाम्पल्स चेक करते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे आने वाले हैं और आपके पास उनके फ्लो चार्ट्स भी आपको ड्रॉ करने होंगे। सिंपल वायल के फ्लो चार्ट का सिंटैक्स लिखो, जो कंडीशन आप प्रोग्राम में लिखते थे वो कंडीशन आपके पास वायल में आएगी, उसके बाद वन बाय वन वो लाइन जो आप वायल के अंदर लिखते थे वन बाय वन यहाँ लिखते हुए चलना है और ये आपके पास लूप पर यूज करना है। एक आपके पास सिंपल देखते हैं, जैसे हमने काउंटिंग का प्रोग्राम बनाया, एक शायद आपके पास प्रोग्राम बनाते हैं और एक शायद आपके पास क्या करते हैं उसके वर्किंग को चेक करते हैं। जैसे अगर आप आपके पास काउंट की बात करते हैं तो आई से वैल्यू लेंगे वन, कंडीशन क्या है भाई, आई इज लेस देन 100, प्रिंट होगा आई और आई को कर देंगे आई प्लस इक्वल, या आप ऐसे लिख लो आई को आई प्लस, ऐसे कर लो सिंपल प्रोग्राम। ये आपका 100 काउंटिंग का प्रोग्राम है, एक हमें पता है वन से चलना है तो कहाँ तक जाना है 100 तक आपके पास जाना है, तो इनिशियल वैल्यू हमेशा डिफाइन करनी पड़ती है, इनिशियल वैल्यू आपने डिफाइन कर दिया, आई की वैल्यू इनिशियल क्या है 1, और 1 से 100 तक जाना है तो 1 का इंक्रीमेंट करके ही जाना पड़ेगा, डिक्रीमेंट में यहाँ पे रूल सप्लाई नहीं होगा क्योंकि आप लो टू हाई चल रहे हो, हाई टू लो तो आप चल रहे नंबर को लेके, तो इंक्रीमेंट लीजिए होगा ये भी पता लगा। कंडीशन क्या होगी, जितने भी नंबर है ये इससे सारे के सारे स्मॉल है तो कंडीशन लगेगी स्मॉल की, यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा दो आपके पास क्यों, क्योंकि आपके पास 100 को प्रिंट करना है, कॉलम आएगा अंदर आते क्या करना था वैल्यू प्रिंट करनी है, पहले 1 प्रिंट होगा 1 प्रिंट करा, देन आपके पास इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगी 2 आएगा, ये जाएगा 2 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू होगी अंदर आएगा 2 प्रिंट होगा, 3 4 5 6 7 8 सबके सब आपके पास क्या हो जाएंगे प्रिंट्स हो जाएंगे आपके पास नंबर्स। ये आपके पास सिंपल एक प्रोग्राम था काउंटिंग का, इसका फ्लो चार्ट आपके पास देखते हैं फ्लो चार्ट आपके कैसे बनेंगे। अगर हम फ्लो चार्ट देखते हैं फर्स्टली स्टार्ट इनपुट, इनपुट में सिर्फ आपने आई लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 1, देन कंडीशन आपने लगाई है वाई, सेम वही फ्लो चार्ट आपको उसके बाद ऐड करना होता है, स्टार्ट तो फिक्स है, उससे पहले इनपुट में आपके पास यहाँ पे इनपुट में कोई नंबर हमने एन नहीं लिया, हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिया, हमें सिर्फ आपके पास एक वैल्यू लिया इनपुट जिसकी आपके पास आई की वैल्यू क्या है 1, वाई कंडीशन क्या है आपके पास सेम वो कंडीशन लगा दीजिए आई है, इसे आई को कर लीजिए स्मॉल, स्मॉल नाम से आपके पास क्या करेगा कोई फर्क नहीं है, कंडीशन ये थी, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की वर्किंग ही नहीं है, हमें लेफ्ट प्रिंट क्या है प्रिंट करने के लिए पैराग्राम आपके पास यूज होता है तो आप प्रिंट करेंगे आई को, देन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा वो रेक्टेंगल में होगा क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग हुई है यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, कंडीशन टू थी ये ऐसे था और कंडीशन फोर्स था, हमने वहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, लास्ट में एम्प्टी है, ये सिंपल हमारे पास एक वाइल का फ्लो चार्ट बन गया, सिंपल आपके पास है, जो हमने वहाँ पे सिंटैक्स बनाया था उसी पूरे सिंटैक्स को हमने उठा के बस इसके ऊपर ये ऐड किया है, बाकी आपके पास सब सेम है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टेबल के प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पे होंगे, ये टेबल के प्रोग्राम में हमने कल भी लास्ट लिस्ट भी वाली वीडियो में टेबल का प्रोग्राम किया था, उसमें देखते हैं कि वैल्यू क्या है वर्क एन को क्या लेंगे इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे इंटीजर इनपुट द वैल्यू ऑफ एक्स, आई की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 1 रहेगी, इसके बाद आपके पास क्या करना था हमें लूप चला था आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, टेबल आपके पास ऐसे बनता है तो आपके पास वर्किंग क्या थी टेबल का प्रोग्राम आपको बना हुआ है वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10,
अंदर आई टी के अंदर क्या है मल्टीप्लाई आई प्रिंट किया टी को देन आपके पास क्या किया आई को पढ़ दिया आई प्लस वन। ये आपके पास सिंपल एक प्रोग्राम था जो हमने वर्किंग किया है। इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट आपके पास चेक करते हैं। देखो इनपुट में दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएगी बस, एक तो इनपुट में एन आ गया और आई की वैल्यू क्या रही वन है सेम है। आई की वैल्यू लेस देन क्या रहेगी आपके पास टेन रहेगी, यहाँ पे 100 नहीं आएगा क्योंकि हम आपके पास क्या बना रहे हैं टेन। बाकी सब आपके पास सेम होता है सिर्फ 20 की प्रोसेसिंग आपके पास बदलेगी। जैसे हम अंदर आते हैं जैसे हम आपके पास कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ट्रू होने के बाद आपके पास क्या क्या टी को अंदर डाल दिया एन मल्टीप्लाई आई ये रेक्टेंगल में आएगा और ये आपके पास जो प्रिंट होगा टी ये पैरोग्राम में आएगा। उसके बाद हमने क्या किया आपके पास आई को बढ़ दिया आई प्लस वन ये यहाँ पे था और यहाँ पर आपके पास क्या था बाकी आपका सब प्रोग्राम सेम फ्लो चार्ट आपके पास बाकी सारा सेम रहेगा। सिर्फ जो आपके पास फाइल के अंदर की वर्किंग है वो चेंज होगी, यहाँ पे आपके पास और कुछ चेंज नहीं होगा। ये आपके पास सिंपल रहेगा टेबल का प्रोग्राम हो गया और उसका फ्लो चार्ट हो गया। इसी आपको सेम इसकी एल्गोरिथम लिखनी है वन बाय वन आपके पास आपको एल्गोरिथम लिखनी है। स्टार्ट इनपुट 10 आई चेक कंडीशन आई इज लेस देन 10 इफ कंडीशन इज ट्रू देन टी इक्वल एन मल्टीप्लाई आई प्रिंट टी आई इक्वल आई इंक्रीमेंट आई और आपके पास एन सेम आप इसकी अलग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपके पास वाइल का आपके पास हो गया टेबल का फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में देखते हैं आपके पास क्या क्या चेंज आने वाले हैं। देखो प्रोग्राम आपके पास सारा सेम रहेगा ऊपर एक नंबर देना है एन एन वेरिएबल जैसे ही देंगे एक वेरिएबल एन लेते हैं इंटीजर टाइप जिसकी वैल्यू हम इनपुट कर लेते हैं यूजर एफ के अंदर सबसे पहले एन डाल देते हैं। ये आपके पास प्रोग्राम था कंट्रोल का के अंदर बन रहेगा लूप क्या कह रहा था लूप कहता था आई लेस देन एन एफ के अंदर क्या जाएगा एफ मल्टीप्लाई आई यहाँ पे प्रिंट ना होगा वैल्यू बाहर प्रिंट होती थी बस यहाँ पे आपके पास चेंज था और वैल्यू जो है वो वाइल से बाहर आके प्रिंट होगी। ये आपके पास प्रोग्राम था। अगर इसका फ्लो चार्ट देखो वन बाय वन आपके पास क्या होगा स्टार्ट आपने इनपुट लिया है एन इनपुट जो होगा वो आपके पास पैरेललोग्राम में आएगा इनपुट है और आई की वैल्यू जैसे क्या है वन। उसके बाद आपके पास सबसे पहले वर्ड आपने क्या किया है f इक्वल n देन आपके पास वाइल लूप लगेगा i लेस देन n अगर कंडीशन होती है ट्रू तो हम अंदर आएंगे फोर्स में ब्यास निकलेंगे। देखो ट्रू होने पर हमने क्या वर्क किया है f इक्वल f मल्टीप्लाई i ये एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या है इंक्रीमेंट आई को बढ़ते आई प्लस वन और यहाँ से आपके पास लूप घूमता रहेगा। फोल्स होने पर आएंगे बाहर जब कंडीशन फोल्स होकर बाहर आएंगे तो हमें क्या करना है एक वैल्यू को प्रिंट करना है। अभी हम आपके पास ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे ऐड तब होता था जब हम सारा वर्क लूप के अंदर करके आते थे। अभी लूप से बाहर भी आपके पास एक कंडीशन स्टेटमेंट बचा हुआ है प्रिंट करने का इसे आप प्रिंट कर दीजिए ये पैरोग्राम होगा और ये आपस में ऐड नहीं होंगे दोनों यहाँ पे या आपके पास अलग अलग रहेंगे तो आपने क्या किया है प्रिंट किया है एफ को और एन होगा प्रिंट के बाद। ये आपके पास सिंपल सा क्या था फ्लो चार्ट था फैक्टोरियल का। मैंने आपको दो तीन प्रोग्राम बनाए हुए थे 1 to 100 काउंटिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ था वो आपके पास हो गया। आपके रिवर्स का प्रोग्राम भी आप ऐसे बना सकते हो 100 to 1 का प्रोग्राम बना उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। टेबल का प्रोग्राम आपके पास हो गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपके पास सिंपल हो गया। अब आपको एक प्रोग्राम और बना लेना है कि 1 to 100 या बिटवीन टू नंबर्स आपके पास क्या करने हैं इवन नंबर्स को फाइंड करने हैं वो प्रोग्राम उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा ये आपको चेक करना है। वाइल की वर्किंग आपको देखनी है वाइल का सिंटैक्स क्या है वाइल का फ्लो चार्ट क्या है टेबल आपके पास क्या है टेबल का फ्लो चार्ट आपके पास कैसे बना
फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट आपके पास कैसे बना, सिंपल काउंटिंग का फ्लो चार्ट आपको कैसे बना, ये सिंपल आपको वर्किंग करनी है। इससे लगा मामला हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में जो हम करेंगे वो आपके पास फोर लूप की वर्किंग देखते हैं, फोर लूप की वर्किंग आपके पास कैसे होती है। फ्लो चार्ट आपके पास सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट का चेंज होता है, बाकी सब आपके पास क्या होगा वर्किंग सेम है फ्लो की, फोर चार्ट की भी आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के नोट्स जो आप मैंने आपको वीडियो ग्रुप्स में सेंड किए हुए हैं उनको आपको सब फंक्शंस को पढ़ना है। 25 फंक्शंस मैंने आपको कराए हुए हैं, ईच डिजिट, ईच नंबर, लोअर, अपर, ये सब आपके पास कराए हुए हैं। किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स करना, जो स्ट्रिंग के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो आपकी आएगी उसमें आपको रिविजन करना है। और जो कंप्यूटर फंडामेंटल आपके पास सिलेबस में है जिसमें आपके पास टोकन्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनके आपके पास एग्जांपल्स क्या है, आपके पास आइडेंटिफायर क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं, सिंपल कोई एक फॉर्मूलाज का प्रोग्राम आपको करना है, जैसे दो नंबर्स को ऐड करने का, इवन ऑड का, आपके पास पॉजिटिव निगेटिव का, या आपको प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है जितनी आपके पास है, उन सब प्रोग्राम्स की एक लिस्ट में आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है उन प्रोग्राम्स को, उनके फ्लो चार्ट्स को, यह आपका रिवीजन रहेगा यूटी 4 के लिए। ओके क्लास, थैंक यू।